नमस्कार दोस्तों, मैं तन्वी आप सभी से एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ। आज हमारे देश पर कोरोना का संकट मंडरा रहा है। हम सभी को पता है ये बीमारी कितनी खतरनाक है और इससे कैसे बचना है, लेकिन हम गंभीर नहीं हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बात मानकर हमने एक दिन तो जनता कर्फ्यू को मानकर घर पे ही बैठे, लेकिन शाम को जुलूस निकाल बेवकूफी भी कर दी। क्या घर पर बैठे रहना एक सैनिक जवान के बॉर्डर पर रहने से ज्यादा मुश्किल है? मुझे पता है कि घर बॉर्डर से ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि मैं एक आर्मी की बेटी हूँ। इस जंग में हमारे पापा से बड़े सैनिक आप सभी लोग हैं। इस जंग में आपको और हमको साथ लड़ना है। घर पर बैठकर कुछ भी ना करके आप और हम भारत माता की सेवा कर सकते हैं। ये देशभक्ति दिखाने का एक आसान मौका है। आप जब तक कोरोना वायरस को बाहर लेने नहीं जाएंगे, वो आपके घर नहीं आएगा। घर में रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रहने दें। ये समय जश्न और जुलूस का नहीं है, घर पर बैठने का है। एक दिन की जनता कर्फ्यू से कुछ नहीं होगा, हमें महीनों की जनता कर्फ्यू के लिए तैयार रहना होगा। अभी हमने जंग जीती नहीं है, ये जंग की शुरुआत है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप घर से बाहर ना निकलें, बिल्कुल ना निकलें, जब तक कोई भी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी ना हो। घर में रहें, खुद जिए और दूसरों को भी जीने दें। जय हिंद।